हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी हैप्पी विद संजुक्ता। एंड आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरे चैनल पे एक कुकिंग वीडियो जो है शाम का नाश्ता आलू का पराठा। तो आप ये वीडियो पूरा पूरा देखिए और मेरे साथ बने रहिए, और लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज़ कीप वॉचिंग, थैंक यू। आलू का पराठा बनाने के लिए मैंने ले लिया है आटा और मैदा, और इसको गूंद कर तैयार कर लिया है। और उसके साथ मैंने ले लिया है व्हाइट ऑयल, नमक और भाजा मसाला, जिसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगी। और मैंने ले लिया है धनिया पत्ता, हरी मिर्च और बॉयल किया हुआ पटाटो। तो अब मैं स्टफिंग तैयार कर लूँगी। स्टफिंग में बॉयल पटाटो के साथ मिलाना पड़ेगा स्वाद अनुसार नमक। मैंने एक पटाटो बॉयल किया है और उसके साथ मिलाना पड़ेगा भाजा मसाला। भाजा मसाला में है जीरा, धनिया, सूखा हुआ लाल मिर्च और होल स्पाइस गरम मसाला। इन सभी मसाला को मैंने एक तवे पे गरम करके मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, और मैं उसके साथ मिलाऊंगी हरी मिर्च और धनिया पत्ता। इन सभी को अच्छे से स्मैश करना पड़ेगा। मैदे को अच्छे से लोइया बना लूँगी, और लोइयो को मैं कटोरी के शेप में ऐसे बना लूँगी। आप देख ही सकते हैं मैं कैसे बना रही हूँ। और इसमें मैं सूखा मैदा के साथ अच्छे से कटोरियों के शेप में बना रही हूँ, और इसमें मैं आलू की स्टफिंग अच्छे से फिल करूँगी। आप लोग देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। ये मैं स्टफिंग भर रही हूँ और मैं साइड से अच्छे से मोड़ रही हूँ, जिससे वो स्टफिंग बाहर नहीं आएगा। और मैं इसको फिर से गोल बॉल बना रही हूँ और साइड में रख रही हूँ। मैं दूसरे को भी ऐसे बना लूँगी और सूखे मैदे के साथ मैं रख दूंगी, और फिर मैं इसको बेल लूंगी। बेलने की भी एक तरीका है जो आप देख रही है। इसको अच्छे से स्लो प्रेस करके बेलना पड़ेगा, जिससे वो फटे ना। अगर वो साइड से फट जाए तो वो अच्छे नहीं बनेगा। साइड से वो आलू की स्टफिंग बाहर नहीं आनी चाहिए। अच्छे से स्लो करके प्रेस करके ऐसे इसे बेलना है। आप देख ही रहे होंगे मैं कैसे बेल रही हूँ। ये बिल्कुल भी नहीं फट रहा है और बाहर नहीं आ रहा है। देखिए मैं सूखे मैदे के साथ इसको बेल रही हूँ, और ये मैं तवा पे इसको सेक लूँगी। तवा पे मैंने पराठा दे दिया है, और पहले मैंने दोनों पीठ अच्छे से सूखा सेक लेना है। देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा सूखा सेक लिया है,
जिससे जो हो जाए मैं पलट दूंगी और फिर मैं इस पे थोड़ा थोड़ा करके तेल डालूंगी। ये मैंने तेल डाल दिया है साइड से और ऊपर से भी मैंने थोड़ा तेल डाल दिया है और आप देखिए ये बहुत अच्छे से फूल रहा है। कैसे? थोड़ा थोड़ा प्रेस करके पलट करके मैं इसको प्रेस कर रही हूँ जिससे वो अंदर से भी और बाहर से भी अच्छे से पक जाए। बहुत अच्छे से फूल गया है और ये बहुत अच्छे से बना है। आप देख ही रही होंगे मैं कैसे इसे थोड़ा थोड़ा स्प्रेस करके बना रही हूँ और सेक रही हूँ। मैंने ज़्यादा तेल यूज़ नहीं किया है हेल्थ को ध्यान में रखते हुए और ये मैंने पॉट में इसे रख दिया। अब बारी है पराठा को सर्व करने की। मैंने एक प्लेट ले लिया है और प्लेट में दोनों पराठा को मैंने अच्छे से रख लिया है और ये पराठा को मैं केचप के साथ सर्व करूँगी। ये पराठा आप ऐसे भी खा सकते हैं और केचप के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये पराठा आप शाम के नाश्ते पे और सुबह की ब्रेकफास्ट पे भी आप खा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का रेसिपी आलू का पराठा। ये पराठा को आप घर में ज़रूर बनाइएगा और बना के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ये कैसे बना। और ये वीडियो को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को बहुत सारा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।